द मैजिकल जिंदगी। मैं श्रुति अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपको माही चौथ के बारे में बता रहे हैं। इसे संकट चौथ, तिल चौथ, संकष्टि चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ के बाद माही चौथ का व्रत सबसे महत्वपूर्ण व्रत होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं हमें 12 महीने के चतुर्थी व्रत करने चाहिए। 12 नहीं कर सकते हैं तो 6 चतुर्थी व्रत करें और 6 नहीं तो 4, और 4 भी नहीं कर सके तो 2 चतुर्थी व्रत अवश्य करें। जो करवा चौथ वह माही चौथ है। प्रतिवर्ष माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तिल चौथ या माही चौथ मनाई जाती है। तिलकुट चौथ के लिए घर घर में तिलकुट्टा बनाया जाता है। तो आज हम आपको बताते हैं तिलकुट बनाने की विधि। तिलकुट बनाने के लिए हम 1 कप तिल और 1/2 कप गुड़ लेंगे। वैसे तो चतुर्थी का तिलकुट कच्चे तिल से ही बनाया जाता है, लेकिन यदि आपके यहाँ पर तिल को भुना जाता है तो एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर उन्हें भून ले। उसके बाद गुड़ को थोड़ा कूटकर क्रश कर ले और तिल को मिक्सी में दरदरा पीस ले। आप चाहें तो तिल को कूट भी सकते हैं। फिर दरदरा किया हुआ तिल और क्रश किया हुआ गुड़ दोनों को अच्छे से मिलाकर अपनी इच्छा अनुसार उसमें इलायची, नारियल व सूखे मेवे भी दरदरा करके मिला सकते हैं, और ना भी मिलाएं तो चलेगा। आपका तिलकुट तैयार है। तिल चौथ पर गणेश जी को भोग व रात को चांद को अधर्य तिलकुट से ही दें। उसके बाद तिलकुट से ही बायना निकालकर तिलकुट का प्रसाद ग्रहण करके भोजन करें।